बॉलीवुड के सुपरहिट सॉन्ग ओ लाल दुपट्टे वाली आज भी सबको अच्छे से याद है। इस गाने में गोविंदा, चंकी पांडे, ऋतु शुभपुरी और रागेश्वरी लंबू ने खूब धूम मचाई थी। फिल्म आंखें के इस सुपरहिट सॉन्ग में रागेश्वरी को खूब पसंद किया गया था। रागेश्वरी आज सबके जहन में मौजूद है। फिल्म से दूर रहने वाली एक्ट्रेस ने बिग बॉस सीजन 5 में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी। इसके अलावा वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है और अक्सर सोशल मीडिया हैंडल के जरिए जरूरी मैसेज भी शेयर करती है। रागेश्वरी ने अपनी फिल्मी करियर के साथ ही असल जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस रागेश्वरी अपने जीवन में फेशियल पैरालिसिस से भी गुजर चुकी है। इस बारे में उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया, पैरालिसिस के समय मेरे चेहरे का आधा हिस्सा सुन्न पड़ गया था और जब मैंने डायरेक्टर से बात करनी चाही तो मेरे होंठ मेरे कान तक पहुंच गए थे। हालांकि इसी के योग मेरी रुचि बढ़ने लगी और इसके जरिए ही मैंने अपनी परेशानी से लड़ पाई। साल 2014 में रागेश्वरी ने लंदन में रहने वाले सुधांशु स्वरूप से शादी की थी। उनकी शादी में पूजा बेदी, जूही चावला और बॉलीवुड के कई कलाकार भी शामिल हुए थे। शादी के बाद से ही रागेश्वरी अपने पति के साथ लंदन में ही रहती हैं। बता दें कि रागेश्वरी ने 1993 में आई फिल्म आंखें से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई थी। इसके बाद वह जिद, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, दिल कितना नादान है, तुम जियो हजारों साल और मुंबई से आया मेरा दोस्त जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। इन फिल्मों के बाद रागेश्वरी को एहसास हुआ कि उनका झुकाव अभिनय से ज्यादा सिंगिंग की तरफ है। अपने करियर के दौरान उन्होंने कलर्स टीवी के लिए गणेश आरती भी गाई थी। हालांकि इस आरती के रिकॉर्डिंग के समय रागेश्वरी गर्भवती थी, लेकिन उन्होंने अपना यह काम भी काफी खूबसूरती से किया था। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने एक इंस्टाग्राम के पोस्ट के जरिए दी थी।